हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये मेकअप लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है किसी भी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन के लिए, और आप किसी भी फेस्टिव सीजन में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेकअप है और बहुत ही गॉर्जियस मेकअप है, आप इसको इजीली अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने एक सूट वेयर किया है जिसका ये ग्रीन कुर्ता है और येलो लेगिंग्स और येलो दुपट्टा है, जो कि मैंने मैक्स से लिया था, और ये मैक्स की ऑनलाइन शॉपिंग भी अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मेकअप लुक। तो और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले किसी भी मेकअप को करने से पहले अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर कर लेते हैं, अच्छे से उसकी केयर कर लेते हैं ना, तो आपका मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ मेरे मेकअप से पहले मैंने अपने फेस को फेस वॉश किया है, देन मैं स्क्रब करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे वाओ का प्रोडक्ट लिया है, बहुत ही फास्ट वीडियो करके मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप बोर ना हो, और जल्दी जल्दी बस आप इसको देख लीजिए। देन मैंने यहाँ पे स्क्रब किया है, वाओ का स्क्रब है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है गाइज। तो ये वाओ का स्क्रब है, स्क्रब हो गया है मेरा, देन अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक आपको स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद आपको लगाना है फेस पैक, देन यहाँ पे मैं फेस ड्राई करके अपने फेस पे सेम वाओ का उपटन फेस पैक लगाने जा रही हूँ। तो ये इसी के साथ ब्रश मिलता है, तो मैं इसी के हेल्प से ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और देन इसको 15 to 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। आफ्टर 15 to 20 मिनट मैंने इसे वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं फेस एकदम क्लीन हो जाता है गाइज, पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अब इसके बाद आपको करना है स्किन केयर। तो टोनर बिल्कुल स्किप मत करिए, टोनर हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं और आपके स्किन पे बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो ये मैं वाओ का ही टोनर यूज़ कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं गुड वाइब्स का अपना फेवरेट रोजहिप सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये सीरम बहुत ही बेस्ट है गाइज, अगर आप लोग नहीं ट्राई किए हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। 3 ड्रॉप्स लेकर मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, देन 30 to 40 सेकेंड के बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैंने वाओ का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र लिया, क्रीम लिया है, तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो इतना आपको करना बेहद ज़रूरी है मेकअप करने से पहले, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। तो ये मेरा स्किन केयर हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन केयर मैंने कर ली है। अब मैं करूँगी अपना मेकअप, उससे पहले मैं फर्स्टली अपनी ड्रेस को चेंज करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है सूट, मैंने वियर कर लिया है, देन मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का प्राइमर, पूरे फेस पे प्राइमर लगा लूँगी। पर्पल का बहुत ही अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है, बहुत ही अच्छे से आपके फेस को आपके फेस पे जो भी मेकअप आप लगाते हो, फाउंडेशन वगैरह, बहुत ही अच्छे से इससे ब्लेंड होता है और बहुत ही स्टे करता है, आपका मेकअप को बिल्कुल ब्लैक नहीं हो पड़ने देता है लास्टली। देन यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी, बायोटिक का मैंने लिप बाम लिया है, बहुत ही अच्छा वाला लिप बाम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं ले रही हूँ मेकअप बेस, यहाँ पे मैंने पर्ल का गोल्डन टिंट वाला, गोल्डन पिंक वाला मैंने मेकअप बेस लिया है, इससे आपका जो मेकअप है बहुत ही नेचुरल ग्लो इससे आ जाता है। तो मैंने इसको पूरे अपने फेस पे लगा लिया है, प्राइमर लगाने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया है, देन इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। स्किन आपकी कैसी भी हो, किसी भी कलर की हो, आपका जो नेचुरल ग्लो होता है स्किन में वो बना रहना चाहिए गाइस, इसके लिए आपको स्किन केयर करनी बहुत ज़रूरी है। देन मैंने यहाँ पे लगाया है कलर एसेंस का कंटूर स्टिक, सॉरी वो ओ माय गॉड सॉरी लगाया कंसीलर, देन उसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से, देन मैंने पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्रीज बिल्डअप करूँगी, यहाँ पे मैंने आई शेडो लिया है, देन यहाँ पे मैंने जो शेड लिया उससे मैं क्रीज बिल्डअप करूँगी। क्रीज बिल्डअप करने के बाद, ये बहुत ही सिंपल है आईज़ मेकअप, बट बहुत ही अच्छा वाला आईज़ मेकअप है गाइज, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका कलर लुक बहुत ही अमेजिंग था, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आज, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाया है,
तो देन यहाँ पे मैंने येलो शेड लिया है मेरे सूट में, येलो और ग्रीन का है कलर मेरे ड्रेस में, ग्रीन और येलो का है शेड, तो मैंने सेम कलर पिक किया है और हाफ हाफ अपने आई लिड पर अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आउटर वी बना लिया है और येलो, और उसको अच्छे से सेंटर में ब्लेंड कर लिया है। देन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने कर लिया है उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर, ये वाली छोटी सी क्लिप मिस हो गई थी तो वो अप्लाई नहीं किया है। देन इसके ऊपर मैंने ब्लेंडर लगाने के बाद, सॉरी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया फाउंडेशन, लोरियल पेरिस का फाउंडेशन लिया है, और नहीं सॉरी लोरियल का नहीं है, मेबलिन का है फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा वाला लॉन्ग स्टे करने वाला फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से लॉक कर देता है, आपके पूरे मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस बना के रखता है और आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है। गाइस तो मैंने पूरे अपने फेस पे नेक पे ये अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पे मैं कलर एसेंस का ही कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है वहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसको अच्छे से फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। देन यहाँ पे मैंने लिया है NYB का कंट्रोल स्टिक, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अफोर्डेबल कंट्रोल स्टिक है गाइस, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग हो जाती है, और देन और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये, छोटे सा साइज़ है, आप इसको कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जॉ लाइन चीक एरिया पे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ मैंने कंटूरिंग के लिए लगा दिया है। देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे शुगर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और पहले मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लूँगी। देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, जिस तरीके से जॉ लाइन पे, चीक बोन पे, चिन एरिया पे, क्यूपिड्स बो पर और नोज़ एरिया पर, फोरहेड पर, सब जगह जो है अप्लाई करके देन मैं इसको एक फैन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको पता है कि मेरा ये फेवरेट हाइलाइटर है गाइस, इसलिए मैं इसको अच्छे से हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को फिल करना भूल गई थी, तो अब मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो आप फर्स्टली फिल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल रेंज का है ये। देन मैं सेम कलर जो मैंने आईलेट पे यूज़ किया था, सेम कलर लेकर मैं अपने वाटर लाइन पर, लोअर वाटर लाइन पे भी यूज़ करूँगी। देन यहाँ पे मैंने ब्यूटी पीपल का लिया है आईलाइनर, बहुत ही अच्छी टिप है इसकी गाइस, और बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का ये ब्यूटी पीपल का आईलाइनर है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, इससे विंग लाइनर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाता है। तो देखिए गाइस मैंने अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पे शुगर का काजल ले रही हूँ, कोल, बहुत ही अच्छा वाला काजल है, इसमें हल्का सा ग्लिटर भी है, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। देन यहाँ पे मैं एले गर्ल का जो है ब्लशर ले रही हूँ, इसमें ब्लशर भी है, हाइलाइटर भी है, इसी से मैं पिंक कलर, पिंक शेड जो है, पिंक पीची शेड है तो उसे पिक कर रही हूँ। देन इसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने चीक पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। देन इसके बाद थोड़ा सा और आप इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर दीजिए तो बहुत अच्छा लुक आता है। ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है, न्यूड नहीं सॉरी पिंक कलर की है, और बहुत ही मैट है गाइज ये, तो अपने अपने लिप्स को पहले मॉइस्चराइज करिए तभी इसको लगाइए, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देती है, लेकिन बहुत ही अच्छा वाला, अच्छी वाली लिपस्टिक है। और देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉलोसल मस्कारा लिया है, बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, अफोर्डेबल है, तो आप इसको भी ट्राई करिएगा। लोअर लैश लाइन पे और अपर लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया है इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं लास्टली सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे है ये गाइस। देन उसको मैं स्पंज की हेल्प से टैप 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 कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप जो अच्छे से सेट हो जाए। देन ये मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट। देन मैंने इयर रिंग वेयर कर ली है, चूड़ियाँ वेयर कर ली है, जैसे कि सूट में हम सब लोग वेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने दुपट्टा भी वेयर कर लिया है, तो सारी चीज़ें मैंने वेयर कर ली है। तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक,
लुक 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 गाइस. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb through the pain. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक. तो बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा. बहुत ही इजी वे में मैंने ये लुक किया है. आपको आई होप अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा ये मेकअप लुक पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.